नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंफ्यूजन को जो है मैं क्लियर कर देना चाहता हूं अपने सभी प्यारे कैंडिडेट्स को कि जो मैंने कहा वीडियो बनाया था अभी कुछ देर पहले कि निराशापूर्ण जरूर है कि ओ लेवल जो है नेसेसरी किया हुआ है इस बार भी पूर्व की तरह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामान्य कैंडिडेट्स के लिए कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा। जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो फॉर्म अवश्य भरें, क्योंकि ये जो पदे हैं, ये जो पद जो दिए हुए हैं उसमें विशेष पद जो है शामिल है, तो सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं उनके द्वारा फॉर्म भरा जाना चाहिए। दरअसल कन्फ्यूज़न ये इसलिए है क्योंकि आयोग ने पूरी सही तरीके से नहीं बताया कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास कोई ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, कोई उन्होंने जो है लेखा विशेष या फिर हिंदी से जो है या संस्कृत विशेष से जो है तैयारी नहीं की, या फिर जिनके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, टाइपिंग जिनको नहीं आती है, क्या वो लोग भर सकते हैं कि नहीं? तो ये जो है कन्फ्यूज़न है कि सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है या नहीं, ये सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है। मेरे अनुसार जो है मैंने अभी अपने दोस्तों से बात भी की और इसमें बहुत जो है विचार विमर्श भी किया दोस्तों से, जो है जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे भी जो है हमारे जो सीनियर हैं उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने जो है कहा है कि वो भर सकते हैं। दरअसल ये जो है ध्यान से पढ़िए, मैं आपको जो है यहाँ पे पढ़ कर के दिखाता हूँ। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक जो है अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ से जो है पॉइंट जो है अलग हो जा रहा है, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्नवत है, यानी कि ये जो पदे हैं, ये जो पोस्ट हैं, इनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए जिसमें टाइपिंग भी है, ओ लेवल सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है, तो ये कुछ अलग पोस्ट है, ठीक है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोग नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते हैं और आपको फॉर्म भरना ही चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए और इस बात को ध्यान में रखिए कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 जो है काटा जाएगा गलत होने पे आंसर, इस चीज को देखिए। और जो जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, समीक्षा अधिकारी जो है, देखिए यहाँ पे समीक्षा अधिकारी दिया हुआ है सभी जगह, और यहाँ पर जो स्पेशल पोस्ट है वो सहायक समीक्षा में बदल जाती है। ध्यान से देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसका मतलब है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए भी अलग से पदे जो है रखी गई है। स्पेसिफिक पोस्ट जो है 465 में से ही कितनी रखी है ये तो आयोग ने नहीं बताई है, क्योंकि ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन ये तय है कि जनरल कैटेगरी के लोग जिनके पास जो है कोई डोएक का ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, जिनको कोई टाइपिंग नहीं आती है, वो भी भर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ रिव्यू ऑफिसर में जो है वो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए वो भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एआरओ के लिए, और ये जो पद विशेष दिए हुए हैं इनके लिए जो है स्पेशल अर्हता चाहिए, जहां तक नोटिफिकेशन है। तो ये कंफ्यूजन जो है अपना दूर कर लीजिए और फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है। तो फॉर्म आपके द्वारा जरूर भरा जाना चाहिए दोस्तों, मौका बार बार नहीं आता है, अफसोस मत करिएगा, फॉर्म तुरंत भरिए, ठीक है। और ये सूचना आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं, आपके अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसकी तैयारी पूरी मैं आपको करवाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।